शाहरुख खान को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। क्या इतने सालों में शाहरुख को ये समझ नहीं आया कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए कौन सी नहीं? वेल, अगर समझ आया होता तो शाहरुख खान जीरो फिल्म में कभी काम नहीं करते। शाहरुख खान ने जीरो फिल्म चूज करके एक गलती की थी, ये कहना है एक ड्वार्फ का। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने पहली बार ड्वार्फ का किरदार निभाया फिल्म जीरो में। हालांकि ये किरदार शाहरुख के लिए बहुत चैलेंजिंग था शूटिंग को लेकर, कैसे शाहरुख को छोटा दिखाना है, कैसे लो हाइट से क्या कैमरा एंगल होगा। वहीं असली ड्वार्फ जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का कई सालों से हिस्सा है लिलीपुट, उन्होंने शाहरुख के ड्वार्फ वाली फिल्म पर कमेंट करते हुए कहा है कि इस फिल्म में शाहरुख के लिए करने को कुछ था ही नहीं। हाँ, शाहरुख अगर एक फिजिकली चैलेंज्ड आदमी का काम करते, यानी कि किसी अंधे का कैरेक्टर करते या किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर टूटा हुआ होता, तो उसमें एक्टिंग होती क्योंकि आपको वैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ती, वो किस तरह से चलते हैं किस तरह से बिहेव करते हैं वो सब सीखना पड़ता। ड्वार्फ का रोल करके शाहरुख ने क्या नया किया है? ड्वार्फ में ऐसा कुछ फिजिकल चैलेंज नहीं होता है, उनकी बस हाइट छोटी होती है, बाकी वो सोचते हैं, देखते हैं, चलते हैं, बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही। इनफैक्ट लिलीपुट ने ये तक कहा है कि जीरो फिल्म में शाहरुख के लिए करने को कुछ था ही नहीं, मेन रोल तो अनुष्का शर्मा का था जिनके लिए वाकई में वो किरदार निभाना, वो व्हीलचेयर पर जिस तरीके से थ्रू आउट फिल्म में उनके जो एक्सप्रेशंस थे उनके लिए बहुत टफ था। शाहरुख के लिए जीरो फिल्म में ड्वार्फ वाला रोल कोई टफ नहीं था। हाँ, अगर शाहरुख खान इस फिल्म को कर हीरोइन को पटाने के बजाय ड्वार्फ की लाइफ में क्या ट्रेजेडीज होती है, किस तरह से लोगों का रिएक्शन होता है, सोसाइटी उन्हें किस नजर से देखती है, किस ट्रॉमा से वो गुजरते हैं, वो दिखाते तो फिर भी उस रोल की वैल्यू हो जाती। लेकिन शाहरुख तो पूरी फिल्म में नाचते रहे, कटरीना और अनुष्का के साइड में फुदकते रहे। लिलीपुट ने ये तक कहा है कि ना सिर्फ शाहरुख का रोल पुअर था बल्कि पूरी फिल्म ही बहुत ही वियर्ड थी, और ये सोचकर अजीब लगता है कि शाहरुख जैसे इंटेलिजेंट आदमी इस तरह की फिल्म कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी जब जीरो फिल्म रिलीज हुई थी तब भी लिलीपुट ने कमेंट करते हुए कहा था कि जीरो फिल्म में बस शाहरुख की हाइट कम लग रही है, वो ड्वार्फ जैसे तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ड्वार्फ होते हैं उनकी हाइट कम होने के साथ साथ उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी काफी अजीब होता है, उनके हाथ भी हल्के छोटे से होते हैं, वैसा शाहरुख नहीं बन पाए। वेल, लिलीपुट ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं कही है, वाकई में शाहरुख को ड्वार्फ के रोल में देखकर लोगों का यही रिएक्शन था। जिस शाहरुख को ऑडियंस ने सरसों के खेतों में काजोल के साथ रोमांस करते हुए देखा है, जो शाहरुख ज्यादातर लड़कियों के सपनों का राजा है, जो ड्रीम बॉय की तरह है, उस शाहरुख को आप ड्वार्फ दिखा दोगे तो फिर जाहिर सी बात है ऑडियंस उसे नहीं एक्सेप्ट करेगी, और यही कारण है कि शाहरुख की फिल्म जीरो को भी बॉक्स ऑफिस पर फीका रिस्पॉन्स मिला।